Today we'll discuss about the designing of the arithmetic logic shift unit. Arithmetic logic shift unit यानी कि ALU की डिजाइन किस तरीके से की जाती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल। तो ALU या arithmetic logic shift unit, it is a combination of three parts, that is arithmetic unit, logic unit and shift unit. तीनों के कॉम्बिनेशन से आपकी ALU का डिजाइनिंग होता है। तो ALU की कंप्लीट डिजाइन से पहले we will discuss separately कि how to design the arithmetic circuit, how to design the logic circuit, how to design the shift unit, and then we will combine all of them to design the ALU. तो सबसे पहले हम discuss करते हैं डिटेल में how to design the arithmetic circuit, कि arithmetic circuit की designing किस तरीके से की जाती है। तो arithmetic circuit की designing के लिए हम पता होना चाहिए कौन कौन से arithmetic operations को specify करने जा रहे हैं इस arithmetic circuit के through. तो वी आर गोइंग टू डिस्कस वेरियस arithmetic operations इन दिस डिजाइनिंग ऑफ arithmetic circuit. वो arithmetic circuit में कौन कौन से operations हैं, वो ऑपरेशन है आपके एक सिंपल, अगर किसी वैल्यू ट्रांसफ़र करना हो, यानी एज इट इज़ अगर आपको वैल्यू ट्रांसफ़र करनी है तो उसके लिए भी आप arithmetic logic unit का यूज़ कर सकते हैं, arithmetic circuit का यूज़ कर सकते हैं. अगर आपको वैल्यू इंक्रीमेंट करनी है, यानी अगर आपको वन बाई वन बता दें, अगर आपको एज इट इज़ वैल्यू किसी वेरिएबल की ट्रांसफ़र करनी है तो ALU का यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ज़ीरो ऐड करना पड़ेगा. किसी भी नंबर में ज़ीरो ऐड कर दीजिए, आपका एज इट इज़ नंबर ट्रांसफ़र हो जाएगा. दूसरा हम क्या कर सकते हैं, किसी भी नंबर में आपको वन ऐड करना है, यानी आपको इंक्रीमेंट का सर्किट बनाना है, तो भी arithmetic circuit का यूज़ करेंगे. जो भी नंबर दे रखा है उसमें वन ऐड कर दीजिए, आपका इंक्रीमेंट का सर्किट बन जाएगा. अगला है, अगर आपको डिक्रीमेंट का सर्किट बनाना है, यानी जो नंबर दे रखा है उसमें से अगर वन सब्ट्रैक्ट करना है तो भी हमें arithmetic circuit की ज़रूरत पड़ेगी. अगला ऑपरेशन है, अगर आपको ए और बी दो नंबर्स को ऐड करना है, इसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, arithmetic circuit की ज़रूरत पड़ेगी. अनदर ऑपरेशन इज़, अगर आपको ए माइनस बी करना है, यानी दो नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है, देन वी विल आल्सो रिक्वायर्ड arithmetic circuit. इसके अलावा एक दो ऑपरेशंस और हैं जिसके लिए हम ALU का यूज़ करते हैं. द ऑपरेशन इज ए प्लस बी, हमने डिस्कस किया. उसके अलावा ए प्लस बी प्लस वन ऑपरेशन भी इस arithmetic circuit के थ्रू पॉसिबल हैं. ए प्लस बी प्लस वन जो होता है उसको हम कहते हैं ऐड, ऐड यानी कि ए प्लस बी का ऐड विद कैरी यानी प्लस वन. ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस बी, ए प्लस बी प्लस वन को हम क्या कहते हैं, ऐड विद कैरी. ऐड किसका, ए प्लस बी का, किसके साथ, कैरी के साथ. इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एक ऑपरेशन ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, ये ऑपरेशन भी आपका इस सर्किट के थ्रू हो सकता है. ठीक है, ये ऑपरेशन क्या है, ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, इसको कहते क्या है, ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट को ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, दिस ऑपरेशन इज कॉल्ड सब्ट्रैक्ट विद बोरो. अगर कहीं लिखा हुआ है ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट तो हम इसको क्या बोलते हैं, सब्ट्रैक्ट विद बोरो. ये ऑपरेशन भी इस सर्किट से पॉसिबल है. अब इसको सब्ट्रैक्ट विद बोरो क्यों बोलते हैं, ये आपको रीजन बता देते हैं. ये क्या लिखा हुआ है, ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, अगर मैं एक बोरो इसके साथ ले लूँ, यानी इसको एक बोरो दे दूँ, अगर ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन है, अगर मैं इसको एक बोरो दे दूं, यानी कि अपनी तरफ से वन दे दूं, तो ये किसके इक्विवेलेंट हो गया, ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस वन. और ये किसके इक्विवेलेंट होता है, ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस वन, ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस वन क्या होता है, टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी. ठीक है, और ए प्लस टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी किसके इक्विवेलेंट होता है, ए माइनस बी के. ठीक, इसका मतलब अगर मैं इसको वन दे दूंगा, ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट को वन अगर मैंने दे दिया, तो ये किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, ए माइनस बी के. इसका मतलब इसको हम क्या बोलेंगे, सब्ट्रैक्ट विद बोरो. सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं कब, जब बोरो दिया जाए. तो आपके डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस, ए आपको जीरो ऐड करना हो नंबर में, वन ऐड करना हो, वन सब्ट्रैक्ट करना हो, दो नंबर्स को ऐड करना है, दो नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है, या जो दो नंबर ऐड किए हैं उसके साथ कैरी ऐड करना है. ठीक है, या ए और बी कॉम्प्लीमेंट को ऐड करना है. हमारे कितने ऑपरेशंस हो गए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन,
इन सेवन ऑपरेशंस के लिए हम एक सिंगल अरिथमेटिक सर्किट बना सकते हैं, ठीक है, जिसमें कि सेवन ऑपरेशंस स्पेसिफाई होंगे। इसके अलावा भी हो सकते हैं, और सारे ऑपरेशन हो सकते हैं डिफाइन, बट वी विल डिज़ाइन द ALU फॉर दीज लिमिटेड माइक्रो ऑपरेशन, जो भी आपके माइक्रो अरिथमेटिक ऑपरेशन हैं इनके ऑपरेशन के लिए हम ये डिज़ाइन करेंगे सर्किट, ठीक है। तो इन ऑपरेशन के लिए हम क्या चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं एक ऐसा अरिथमेटिक सर्किट बनाना जो ये सारे ऑपरेशन करें, यानी एक सिंगल सर्किट जो ये सारे के सारे ऑपरेशन स्पेसिफाई करें। अब अगर आप एक ही सर्किट से चाहते हैं कि मल्टीपल नंबर ऑफ ऑपरेशन हों, तो हमें क्या करना पड़ता है, अगर दो ऑपरेशन होते तो हमारा स्विच से काम चल जाता, ऑन ऑफ, कि जीरो है तो ये ऑपरेशन, वन है तो ये ऑपरेशन, एक सिंगल स्विच से काम चल जाता। बट वी हैव ए नंबर ऑफ ऑपरेशन, वी हैव टोटल सेवन ऑपरेशन, और अगर आप सेवन ऑपरेशन करना चाहते हैं तो आपका स्विच से काम नहीं चलना पड़ेगा, हमें किसका यूज़ करना पड़ेगा, मल्टीप्लेक्सर का। मल्टीप्लेक्सर की क्या फैसिलिटी होती है, कि मल्टीप्लेक्सर में ये फैसिलिटी होती है कि आप कई सारे काम करा सकते हैं, जो आप चाहें उसे ऐड करा लें सर्किट से, जो आप चाहें सब्ट्रैक्ट करा लें, जब चाहे इंक्रीमेंट करा लें, डिक्रीमेंट करा लें, ठीक है, ऐड विद कैरी कर दें, ऐड विद बोरो कर दें, कोई सा भी ऑपरेशन करा सकते हैं, क्या यूज़ करके, मल्टीप्लेक्सर यूज़ करके, ठीक है। तो मल्टीप्लेक्सर हमें हेल्प करता है जो हमें एक ही सर्किट से मल्टीपल ऑपरेशन कराने हैं। मल्टीप्लेक्सर क्या होता है, दैट इज़ ए सेपरेट टॉपिक, बट मल्टीप्लेक्सर की बेसिक फैसिलिटी क्या होती है, कि मल्टीप्लेक्सर में हम क्या करते हैं कि कई सारे ऑपरेशन में से अगर हमें एक ऑपरेशन करना होता है तब हम मल्टीप्लेक्सर का यूज़ करते हैं। मल्टीप्लेक्सर में क्या फैसिलिटेट करता है, जब नंबर ऑफ इनपुट में से एक आपको ऑपरेशन कराना हो, ठीक है, मान लीजिए आपके पास चार ऑपरेशन हैं और आप चाह रहे हैं एक बार में एक ऑपरेशन हो, तो हम किसका यूज़ करेंगे, मल्टीप्लेक्सर का यूज़ करेंगे। मल्टीप्लेक्सर में ये जो सिलेक्शन लाइंस होती हैं ये डिसाइड करती हैं कब कौन सा ऑपरेशन होगा, ठीक है। तो जब नंबर ऑफ ऑपरेशन हो और एक बार में एक ऑपरेशन करना हो, देन वी विल मेक यूज़ ऑफ द मल्टीप्लेक्सर। अब है क्या, हमने क्यों यूज़ किया मल्टीप्लेक्सर, हमारे पास सात ऑपरेशन कराने हैं हमें अरिथमेटिक सर्किट से, एक बार में एक ऑपरेशन कराना है, ठीक है, जब एक बार में एक ऑपरेशन कराना है साथ में से, तो हम किसका यूज़ करेंगे, मल्टीप्लेक्सर का यूज़ करेंगे, ठीक है। दूसरा आप देखिए, हमारे जितने भी ऑपरेशंस हैं कंप्यूटर में क्या होता है, जो भी ऑपरेशन होगा वो एडर के थ्रू होता है, फुल एडर के थ्रू होता है, चाहे आपको सब्ट्रैक्शन कराना हो, इंक्रीमेंट कराना हो, डिक्रीमेंट कराना हो, या कोई ऑपरेशन कराना हो, सिर्फ और सिर्फ हम क्या यूज़ करते हैं, फुल एडर, उसी से हम सारा सर्किट डिजाइन कर लेते हैं। तो हम क्या यूज़ कर रहे हैं, फुल एडर का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, फुल एडर का हमें यूज़ करना पड़ेगा अगर हमें कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन कराना है, ठीक है। अगली चीज़ क्या है, अगर आप देखें सारे के सारे ऑपरेशंस में, चाहे वो a प्लस जीरो हो, a प्लस वन हो, a माइनस वन हो, a प्लस बी हो, a माइनस बी हो, या बाकी ऑपरेशंस हो, एक चीज़ फिक्स है, वो फिक्स क्या है चीज़, a, a की वैल्यू अगर आप देखें किसी भी जगह चेंज नहीं है, a में कहीं भी चेंज नहीं आया है, इसका मतलब है कि जो हमारा फुल एडर जो ऐड करेगा सर्किट उसका एक वेरिएबल फिक्स है ए। अब आप कहेंगे यहाँ पे AI क्यों लिया है, AI इसलिए लिया है बिकॉज वी आर गोइंग टू डिजाइन ओनली वन बिट अरिथमेटिक सर्किट, हम सिर्फ एक बिट का अरिथमेटिक सर्किट बना रहे हैं। अगर आपको फोर बिट का अरिथमेटिक सर्किट बनाना है, यानी फोर बिट्स के लिए, तो ऐसे ऐसे चार सर्किट नीचे बना दीजिए। अगर आपको थ्री बिट का बनाना है तो सेम सर्किट थ्री बना दीजिए। हम क्या कर रहे हैं, जनरल आई स्टेज के लिए डिजाइन करके दिखा रहे हैं आपको, ठीक है, वन बिट के लिए। फोर बिट के लिए सेम सर्किट फोर टाइम्स रिपीट हो जाएगा, एट बिट के लिए सेम सर्किट एट टाइम्स रिपीट हो जाएगा, जितने बिट का आपसे कहा जाए सेम सर्किट उतनी बार रिपीट कर दीजिए, ठीक है। तो हम ये बता रहे थे कि जो ए है नंबर, एक आपका फिक्स है, दैट इज आपने जनरल स्टेज के लिए ले लिया ए आई। दूसरा क्या है, दूसरी तरफ वेरिएशन है यहाँ पे सारे, जब दूसरी तरफ वेरिएशन है इसका मतलब है हमें उसके लिए किसका यूज़ करना पड़ेगा, वेरिएशन के लिए दूसरा वाला जो नंबर आएगा, एक तो AI हो गया और फुल एडर में जो दूसरा इनपुट आएगा ये वेरिएबल रहेगा, पता नहीं इस पर क्या आएगा, वो हमें जैसा रिक्वायरमेंट पड़ेगा उसके अकॉर्डिंगली यहाँ हम देंगे। अगली चीज़ देखिए, इसमें फुल एडर में क्या होता है, थ्री इनपुट्स होते हैं, टू आउटपुट्स होते हैं, फुल एडर के बारे में हमें पता है, फुल एडर हैज़ थ्री इनपुट्स एंड टू आउटपुट्स, थ्री इनपुट्स AI, एक ये वाला इनपुट, एक कैरी, इनिशियल कैरी, एक
आउटपुट जो आएगा सम, और एक जो नेक्स्ट कैरी प्रोड्यूस होता है ये फुल एडर में होता है, ठीक है। तो फुल एडर के फाइव पार्ट्स हो गए, ए आई ये पार्ट, और ये पार्ट तो इनपुट, एस आई और कैरी आई प्लस वन, ये आपके आउटपुट पार्ट। अब आप देखिए ये पार्ट हमारा फिक्स है, ये हमने कह दिया इनिशियल कैरी होगा। अब मल्टीप्लेक्सर में हम क्या लें, यहाँ पर क्या पास करें कि हमारे ये सारे ऑपरेशन हो जाएं जो हमने यहाँ लिखे हुए, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या क्या यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे एक मल्टीप्लेक्सर, जैसा कि मैंने आपको बताया जब कई सारे ऑपरेशन करने होते हैं। अब कौन से साइज़ का हमने मल्टीप्लेक्सर लिया है, 4:1 का मल्टीप्लेक्सर लिया है। जब आप 4:1 का मल्टीप्लेक्सर लेंगे तो कितनी सिलेक्शन लाइन होती है 4:1 मल्टीप्लेक्सर में, 2 सिलेक्शन लाइन। क्यों होती है 2 सिलेक्शन लाइन, कि 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 का मतलब होता है 2 की पावर 2, जो ऊपर पावर होती है ये बताती है कितनी सिलेक्शन लाइन होंगी। तो 4 का मतलब 2 की पावर 2, पावर कितनी है 2, इसका मतलब 2 सिलेक्शन लाइन होंगी। ये सिलेक्शन लाइन डिसाइड करती हैं कि जो मल्टीप्लेक्सर है आपका 4:1, जो 4 इनपुट है इनमें से कौन सा यहाँ पास होकर जाएगा। अगर इन 8 से ज़्यादा ऑपरेशन होते तो मल्टीप्लेक्सर का साइज़ भी बढ़ जाता, लेकिन 8 ऑपरेशन के लिए हमारा ये मल्टीप्लेक्सर का साइज सफिशियंट है, ठीक है। तो 2 तो ये सिलेक्शन लाइन डिसाइड कर रही है हमारा क्या ऑपरेशन होगा, ठीक है। और कितने ऑपरेशन कराने हैं हमें, 7 ऑपरेशन कराने। तो 7 ऑपरेशन के लिए 2 सिलेक्शन लाइन से तो काम चलेगा नहीं, एक हम क्या यूज़ करेंगे और सिलेक्शन डिसाइड करने के लिए, कैरी वाला पार्ट। तो हमारे S1 S0, दिस इज S1 S0, और एक ये कैरी CI, ये डिसाइड करेंगे कि कौन से 8 ऑपरेशन होंगे या कौन से 7 ऑपरेशन होंगे, ठीक है। 7 ऑपरेशंस के लिए हमें कितने चाहिए डिफरेंट वेरिएबल, 3, ठीक, 3 आपको बिट चाहिए, तभी तो आप 7 ऑपरेशंस को स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो देखिए कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे S1 S0 और CI से, 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1, ये S1 S0 और CI से हमारे कॉम्बिनेशन बनेंगे। ये 3 कॉम्बिनेशन किस लिए हमने लिए, कि हमें 2 की पावर 3 8 ऑपरेशंस या 7 ऑपरेशंस को स्पेसिफाई करना है, ठीक। अब देखते हैं यहाँ पर क्या लगाना है, कब कहाँ पर क्या लगाना है। ये देखिए सबसे पहले 0 0 0 S10 S00 S10 S00, ठीक है, और CIP के S0 है, 0 0, यानी किस वाले से वैल्यू पास होगी, जब यहाँ पर 0 0 होता है तो कौन से वाले इनपुट से वैल्यू जाती है पास होकर, इस 0 वाले इनपुट से, ठीक है। तो जो हमने 0 0 ले लिया तो यहाँ से कौन सी वैल्यू पास होगी ये, और हम कौन सा ऑपरेशन कराना चाह रहे हैं पहली बार में, AI, यानी सिंपल A की वैल्यू ट्रांसफ़र, ठीक है। तो A की वैल्यू तो A तो जा ही रहा है, यहाँ पर क्या पर ट्रांसफ़र करें हम, अगर हमें AI कराना है खाली, 0 0 ऐड कर दें, तो यहाँ पे हमने क्या लिया, 0 लिया, जिससे कि जब 0 0 0 आप लेंगे, दोबारा समझिए, 0 0 0 लेंगे तो 0 0 की वजह से यहाँ से क्या ट्रांसफ़र हुआ, 0 0 0 ये जो ले रखा है इसकी वजह से यहाँ से क्या ट्रांसफ़र हुआ, 0। अब AI+0 और CI भी क्या है, 0, AI+0+0 क्या ट्रांसफ़र हुआ फाइनली आपका, तो आपका एक ऑपरेशन स्पेसिफाई हो गया AI ट्रांसफ़र वाला 0 0 0 लेने पर। अब बाकी ऑपरेशन ही बचे हुए हैं, वो कैसे होंगे देखिए, अगर मैं लेता हूँ क्या 0 0 1, यानी ये दोनों 0 और ये लेता हूँ 1, तो क्या होगा, मुझे कौन सा ऑपरेशन कराना है, AI+1, देखिए 0 0 1 ये वाला। अगर मैंने ये 0 0 लिया, यहाँ पर भी क्या 0 0, तो कौन सी वैल्यू ट्रांसफ़र होगी, फिर से ये 0 ट्रांसफ़र होगा, ठीक। लेकिन इस बार कैरी क्या है, CI क्या है, 1, मेरा CI 1, तो क्या वैल्यू आएगी, AI पहला नंबर A, दूसरा नंबर 0 और कैरी क्या आ रहा है, 1, ठीक। तो इंक्रीमेंट सर्किट में क्या होता है, AI+0+1, रिजल्ट क्या आ गया, AI+1, कौन सा सर्किट हो गया, इंक्रीमेंट सर्किट, ठीक। इंक्रीमेंट सर्किट होता क्या है, ये तो 1 बिट के लिए बता रहे हैं। नॉर्मली इंक्रीमेंट सर्किट में क्या होता है आपका, अगर हम बताएं तो मान लो आपका एक नंबर है
फोर बिट का मान लो, ये तो हमने वन बिट के लिए लिया है, फोर बिट का नंबर होता है A3, A2, A1, A0। आपसे कहता है इसको इंक्रीमेंट के लिए बनाइए, यानी ए प्लस वन के लिए बनाइए। तो कैसे बनाते, इस वाले नंबर में क्या ऐड करते, 0, 0, 0, 1। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हर बिट के साथ क्या ऐड कर देना है, 0, और लास्ट वाले में सिर्फ क्या होना चाहिए, कैरी। तो हम क्या कर रहे हैं, 0 ऐड कर रहे हैं, लास्ट वाले में अपने आप ही क्या होगा, कैरी क्या होगा, 1 होगा। ठीक, इसीलिए अगर 1 बिट का इंक्रीमेंट सर्किट हमें बनाना है तो सिर्फ यहाँ पर कैरी होना चाहिए, यहाँ पर 0 से काम चल जाएगा, 0 नहीं चाहिए, सिर्फ लास्ट वाले कैरी से काम ही चल जाएगा अगर आपको इंक्रीमेंट के लिए सर्किट बनाना। यानी बी की वैल्यू, जो ये दूसरा इनपुट है, इसकी वैल्यू 0 से भी काम हमारा चल जाएगा इंक्रीमेंट सर्किट। ठीक, अब आते हैं अगले ऑपरेशन पे, 010। 010 के लिए आप देखिए, 010 का मतलब हुआ ये 0, ये 1 और ये 0। इस पे हम कौन सा ऑपरेशन दिखा रहे हैं, A-1। कैसे दिखा रहे हैं, देखिए 01 है, मैंने यहाँ पर क्या ले रखा है, 1। क्यों ले रखा है आपको पता लग जाएगा, 01 लिया तो यहाँ पर क्या आया भाई, 01 पे कौन सी लाइन एक्टिवेट हो गई, ये वाली 1 वाली, ये वाली 1 यहाँ ट्रांसफ़र हो गई। ठीक, CI की वैल्यू क्या है, 0। अब AI, A है एक नंबर, एक नंबर 1 है और एक 0 है, तो रिजल्ट क्या आएगा, आपको लग रहा होगा AI+1+0 यहाँ पे आ जाएगा AI+1, लेकिन यहाँ पर हमने क्या लिखा, AI-1। क्यों लिखा है, उसके पीछे रीज़न है, ये AI-1 ही क्यों है, जब AI यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, 0 यहाँ पर है, तीनों को ऐड किया तो AI+1 क्यों नहीं आया, AI-1 क्यों आ रहा है, ये देख लीजिए, ये किसका सर्किट है, AI-1, किसी भी नंबर में से 1 सब्ट्रैक्ट करना किसका सर्किट है, डिक्रीमेंटर का। ठीक, डिक्रीमेंटर का मतलब क्या होता है आप समझिए, जो हम कह रहे हैं A-1 का सर्किट आना चाहिए था ये वाला, और इससे कैसे आ रहा है, तो आप समझिए डिक्रीमेंटर क्या है। डिक्रीमेंटर में क्या होता है, अगर मुझसे कहा जाए कि A-1 करिए, A-1 का मतलब क्या है, A-1 का मतलब है पहला नंबर अगर मैं A लूँ, A3, A2, 4 बिट का ले लूँ, A1, A0, माइनस दूसरा नंबर ले लूँ मैं, A तो ये हो गया, और -1 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 0, 0, 0। डिक्रीमेंटर में क्या होगा, जो भी नंबर है उसमें से एक घटा दीजिए, ये नंबर लिया इसमें से एक घटाया, तो क्या आएगा रिजल्ट मेरा, देखिए अब कंप्यूटर में कोई इसके थ्रू तो होगा नहीं सब्ट्रैक्शन, कंप्यूटर में जो भी ऑपरेशन होता है किसके थ्रू होता है, एडर के थ्रू, तो इस नेगेटिव नंबर को क्या करना पड़ेगा मुझे, 2's कॉम्प्लीमेंट लेके पॉजिटिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो कैसे कन्वर्ट होगा, A3, A2, A1, A0, इसका 2's कॉम्प्लीमेंट लीजिए क्या आएगा, जिससे कि नेगेटिव नंबर प्लस में कन्वर्ट हो जाए, इसका 2's कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, 1, 1, 1, 0 तो हुआ 1's कॉम्प्लीमेंट, 1, 1, 1, 0 और उसमें 1 ऐड कर दो तो क्या आया, 1, 1, 1, 1, यानी इस नंबर का 2's कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया, 1, 1, 1, 1। यानी अगर मुझे A-1 करना है, A-1, तो कैसे होगा कि हर A नंबर की बिट के साथ मैं दूसरे बिट में क्या लूँ, 1 लूँ, पहला नंबर A वाली बिट लूँ और दूसरा नंबर क्या लूँ, 1 लूँ हर बिट में। यहाँ तो मैं सिर्फ एक ही बिट के लिए दिखा रहा हूँ, इसका मतलब है यहाँ पर भी पहला नंबर A लेना पड़ेगा और दूसरा नंबर क्या लेना पड़ेगा, 1 लेना पड़ेगा। ठीक है, और कैरी हमेशा क्या होगा यहाँ पे, 0 होगा, कैरी कोई नहीं है इसमें। अब आप कहेंगे इंक्रीमेंटर वाले से क्या डिफरेंस है, इंक्रीमेंटर वाले में यहाँ हमेशा 0 होगा जो अभी हमने डिस्कस किया था, और यहाँ पर हमेशा 1 होगा, क्योंकि इंक्रीमेंटर कहता है कि ये सारी बिट 0 होती हैं, सिर्फ पहला वाला कैरी 1 होता है, जबकि जो डिक्रीमेंटर है वो क्या कहता है, डिक्रीमेंटर का सर्किट कि A के साथ हर बिट में क्या होना चाहिए, दूसरा B वाला नंबर 1 होना चाहिए, यहाँ से जो भी नंबर निकले, चाहे वो 2 स्टेज के लिए बनाए, 3 स्टेज के लिए बनाए, 4 स्टेज के लिए बनाए, 4 बिट के लिए, सभी में क्या आएगा, दूसरा नंबर 1 है। तो AI और 1 और ये एक्चुअली में किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जब इनको ऐड कर रहे हैं तो ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं डिक्रीमेंट सर्किट को। ठीक है, तो ये आपका 010 से हमें क्या मिल गया, डिक्रीमेंट मिल गया, इसका जो रिजल्ट आएगा फाइनली वो रिप्रेजेंट करेगा डिक्रीमेंट सर्किट को। अब अगला केस देखिए, अगला केस क्या है, 011। 011 पे क्या हो रहा है, 011 पे 01 है, ठीक, और C की वैल्यू क्या है, 1 है,
ये अगर 0 1 है तो कौन सी वैल्यू ट्रांसफर होगी? 1 वाली वैल्यू ट्रांसफर होगी, 0 1 पे 1 वाली वैल्यू ट्रांसफर होती है, यहाँ 1 पे होती है। क्या ये वैल्यू 1, ये भी क्या है 1 है। अब हमें पता है कि ए आई यहाँ पर है और 1 यहाँ पर है, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा? जब भी यहाँ पर ए होता है यहाँ पर 1 होता है, इनका रिजल्ट क्या होता है? डिक्रीमेंट का सर्किट देता है, यहाँ पर ए और यहाँ पर 1, तो इन दोनों के रिजल्ट से हमें क्या मिला? ए माइनस 1। और उसमें भी क्या ऐड हो रहा है? नॉर्मल में तो क्या होता था, ये और ये तो ए माइनस 1 देंगे रिजल्ट, और ये कैरी और ऐड कर दो इसमें, तो तीनों मिलके ये क्या देंगे रिजल्ट? ए माइनस 1 प्लस 1 कितना हुआ? ए। तो यहाँ पर क्या आ गया? ए आ गया। दिस इज द फोर्थ कंडीशन जब 0 1 1 पे क्या हो रहा है। सो द नेक्स्ट कंडीशन इज 1 0 0, जब एस 1 1 है, एस 0 0 है और सी आई 0 है। तो देखिए, जब S1, S0, 1 0 है, S1, S0 जब 1 0 है और CI आपका 0 है, तो जब S1, S0, 1 0 होगा तो यहाँ से क्या वैल्यू पास करेंगे हम? BI। S1, S0, 1 0, 1 0 का मतलब डेसिमल में 2, तो कौन सी वैल्यू पास होगी? जो 2 पर वैल्यू होगी, 2 पर क्या वैल्यू है हमारी? BI। तो यहाँ से क्या पास होगी? बी आई वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? 0, तो ऐड करिए 0 प्लस ए आई प्लस बी आई, रिजल्ट क्या आया हमारा? ए आई प्लस बी आई। तो 1 0 0 पर हमारा रिजल्ट क्या आएगा? ए आई प्लस बी आई, यानी ऐड का रिजल्ट आया, दो नंबर्स ए और बी के एडिशन का, ये आर्थमेटिक ऑपरेशन होगा। अगला केस देखिए, अगला केस है 1 0 1, यानी एस 1 एस 0 1 0 है और सी आई 1 है। तो जब एस 1 एस 0 1 0 है ये वाला, तो जैसे हमने केस बताया कि 1 0 पर कहाँ से वैल्यू पास होगी? 2 से पास होगी, क्योंकि 1 0 का मतलब 2, तो 2 वाली वैल्यू बी आई पास हो गई, ठीक है। लेकिन इस बार सी आई की वैल्यू क्या है? 1 है। सी आई आपका ये क्या है? 1 है। तो फाइनली क्या वैल्यू पास होगी? ए आई प्लस बी आई प्लस 1, ए आई प्लस बी आई प्लस 1, दिस 1, ए आई प्लस बी आई प्लस 1। अब ये ए आई प्लस बी आई प्लस 1 को हम बोलेंगे क्या? ए आई प्लस बी आई क्या होता है? ऐड, एडिशन दो नंबर्स का, और प्लस 1 और, तो इसको हम बोलते हैं ऐड विद कैरी, यानी कि ए आई प्लस बी आई तो हो गया ऐड, और प्लस 1 यानी विद कैरी, ऐड विद कैरी, देखिए ऐड विद कैरी, ठीक है। अगले केस पे आते हैं, व्हेन 1 1 0, जब 1 1 0 है तो क्या होगा? देखिए, यानी ये 1 1 है और ये आपका 0 है, तब क्या होगा? जब ये 1 1 है तो किससे वैल्यू पास होगी? 1 1 की डेसिमल वैल्यू क्या होती है? 3, 3 से वैल्यू पास होगी, 3 पर क्या पास होगा? बी आई का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, यानी बी आई डैश पास होगा 3 से, और कैरी की वैल्यू क्या है? 0, तो क्या वैल्यू पास होगी? ए आई प्लस बी आई डैश प्लस 0, ए आई प्लस बी आई डैश प्लस 0 को लिखने की जरूरत नहीं है, इसको ये क्या बोलते हैं? सब्ट्रैक्ट विद बोरो। अब सब्ट्रैक्शन तो आपको दिख नहीं रहा है, वैल्यू क्या आई है? ए आई, जो हमने इन तीनों को ऐड किया तो वैल्यू क्या आई है हमारी? ए आई प्लस बी आई डैश, यानी कि ऐसे लिख लीजिए इसे डैश को, ए आई प्लस बी आई डैश आई है। अब इसको इन्होंने क्यों कहा कि ए सब्ट्रैक्ट विद बोरो है ये? क्योंकि अगर ये ए आई प्लस बी आई डैश लिखा हुआ है, अगर मैं इसको एक बोरो दे दूँ, अगर मैं इसके साथ एक बोरो ऐड कर दूँ, तो क्या हो जाएगा? ये ए आई प्लस बी आई डैश प्लस 1, और ये किसके इक्विवेलेंट होता है? ये होता है ए आई और 1's कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी और प्लस 1, 1's कॉम्प्लीमेंट बी और प्लस 1 किसके इक्विवेलेंट होता है? 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी आई, यानी ए आई प्लस 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी आई के इक्विवेलेंट हो जाएगा, और वो किसके इक्विवेलेंट होगा? ए आई माइनस बी आई के, क्योंकि हमें पता है ए माइनस बी किसके इक्विवेलेंट होता है हमेशा? ए आई प्लस 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी आई। इसका मतलब है अगर मैं इसको 1 दे दूंगा, मेरा ओरिजिनल रिजल्ट क्या है? ओरिजिनल है मेरा ए आई प्लस बी आई डैश, लेकिन अगर मैं इसको 1 बोरो दे दूंगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सब्ट्रैक्शन में। इसलिए ए आई प्लस बी आई डैश को हम क्या बोलते हैं? सब्ट्रैक्ट विद बोरो, यानी कि बोरो देने पर ये सब्ट्रैक्ट के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब लास्ट केस पे आते हैं, 1 1 1 1 1 1 1 वाले केस में क्या होगा? देखिए, ये 1 है, ये 1 है, कैरी 1 हो जाएगा, यहाँ से क्या वैल्यू पास होगी आपकी? बी आई डैश, भाई 1 1 है तो बी आई डैश ही पास होगी, कैरी क्या है आपका? 1, तो रिजल्ट अब क्या पास होगा? ए आई प्लस बी आई डैश प्लस 1, ए आई प्लस बी आई डैश प्लस 1,
और जैसे कि अभी हमने ये डिस्कस किया, इसमें खुद ही वन दे रखा है कैरी की जगह, ये किसके इक्विवेलेंट होता है? अभी हमने आपको बताया ए आई प्लस टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी आई, और वो किसके इक्विवेलेंट है? ए आई माइनस बी आई। तो इस केस में हमें बोरो की जरूरत नहीं, ये सीधे किसके इक्विवेलेंट होगा? वन 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 के केस में ए आई प्लस बी आई डैश प्लस वन किसके इक्विवेलेंट है? सब्ट्रैक्शन के, सब्ट्रैक्ट के। तो ये जो हमारा अरिथमेटिक सर्किट है, ये बेसिकली टोटल 8 ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, दो सिलेक्शन लाइन और एक कैरी के थ्रू, एस वन एस जीरो और सी आई के थ्रू, जिनमें से 7 ऑपरेशन तो डिफरेंट हैं और एक ऑपरेशन रिपीटेड है। कौन सा ऑपरेशन रिपीटेड है? ट्रांसफ़र। यहाँ पर भी आया है ट्रांसफ़र ए आई, यहाँ पर भी आया है, बाकी 7 डिफरेंट ऑपरेशन है। तो अरिथमेटिक सर्किट का एक छोटा एग्जाम्पल लिया है इसमें और बताया कि अरिथमेटिक सर्किट की डिजाइनिंग हम किस लिए करते हैं, क्योंकि अगर हमें ALU डिजाइन करना है तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए अरिथमेटिक सर्किट कैसे बनता है। तो अरिथमेटिक सर्किट के लिए बेसिकली हमें किसकी ज़रूरत पड़ी? दो सिलेक्शन लाइंस, एक कैरी की ज़रूरत पड़ी, और उसकी हेल्प से हमने टोटल नंबर ऑफ कितने डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म किए? 7 डिफरेंट ऑपरेशन, ठीक है, क्योंकि 8वां ऑपरेशन आपका रिपीटेड है। तो दिस इज़ द डिजाइनिंग ऑफ द अरिथमेटिक सर्किट। नाउ विल डिस्कस द डिजाइनिंग ऑफ द लॉजिक सर्किट, कि लॉजिक सर्किट कैसे डिजाइन होता है, क्योंकि ALU बनाना है तो अरिथमेटिक भी पता होना चाहिए, लॉजिक भी पता होना चाहिए और शिफ्ट भी पता होना चाहिए। सो नाउ विल डिस्कस अबाउट द लॉजिक यूनिट, कि लॉजिक यूनिट किस तरीके से डिजाइन की जाती है ALU के अंदर। सो नाउ विल डिस्कस हाउ द लॉजिक यूनिट इज डिजाइंड। लॉजिक यूनिट में बेसिकली हम डिस्कस करेंगे 4 लॉजिक ऑपरेशंस को, जो हमारे 4 लॉजिक गेट्स के ऑपरेशंस हैं। कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं? एक तो आपका एंड गेट का ऑपरेशन होता है, और गेट का ऑपरेशन होता है, जॉर गेट का ऑपरेशन होता है, और नॉट गेट का ऑपरेशन होता है। ये 4 बेसिक लॉजिक गेट्स हैं जिनकी हेल्प से हम ऑपरेशन बनाते हैं। बाकी लॉजिक गेट्स हम इन चारों की हेल्प से बना सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम लॉजिक यूनिट से वर्क कराना चाहते हैं तो हमें ये 4 लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म कराने हैं। तो अगर हमें 4 लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म कराने हैं तो हमें मल्टीप्लेक्सर कौन सा यूज़ करना पड़ेगा? अगेन 4:1 का मल्टीप्लेक्सर यूज़ करना पड़ेगा। और अगर हम 4:1 का मल्टीप्लेक्सर यूज़ कर रहे हैं, देन वी हैव टू अगेन यूज़ द सेम सिलेक्शन लाइन S1 S0, क्योंकि अगर 4:1 का मल्टीप्लेक्सर है तो 2 की पावर 2 यानी 2 सिलेक्शन लाइन वही यूज होगी, ठीक है। तो आपकी सिलेक्शन लाइन कितनी हो गई? 2 हो गई इस केस में, क्योंकि 4 ऑपरेशन कराने हैं, एक बार में एक ऑपरेशन कराना है, इसलिए हमने क्या यूज़ किया है? मल्टीप्लेक्सर यूज़ किया है। एट ए टाइम या तो एंड होगा, या और होगा, या जोर होगा, या नॉट ऑपरेशन होगा। लॉजिक यूनिट एक बार में एक ऑपरेशन करती है, लेकिन ये 4 डिफरेंट ऑपरेशन करती है वो, ठीक है। तो हमने ये अज्यूम किया, हमने 0 पे कौन सा गेट कनेक्ट किया है? एंड गेट। 1 पे कौन सा कनेक्ट किया है? और गेट। 2 पे कौन सा कनेक्ट किया है? जोर गेट। और 3 पे कौन सा कनेक्ट किया है? नॉट गेट। तो आप देखिए कंप्लीट ऑपरेशन, जब मैं यहाँ पे वैल्यू लूंगा 0 0, यानी S1 S0 सिलेक्शन लाइन की वैल्यू जब मैं 0 0 लूंगा, तो 0 0 पे का मतलब डेसिमल वैल्यू 0 0 की क्या होती है? 0। तो यहाँ पर जो ऑपरेशन है, ये वाला ऑपरेशन पास होगा EI पे। तो कौन सा ऑपरेशन होगा EI पे? AI और BI का एंड ऑपरेशन, एंड ऑपरेशन, ठीक। जब मैं यहाँ पे वैल्यू लूंगा 0 1, तो 0 1 की डेसिमल वैल्यू क्या होती है? 1, यानी जो 1 पे है वो वैल्यू पास होगी। 1 पे क्या है आपका? 0 1 पे, 1 पे क्या पास हो रहा है? और, यानी और ऑपरेशन होगा। जब मैं वैल्यू लूंगा 1 0, तो कौन सी वैल्यू पास होगी? जोर गेट वाली वैल्यू। 1 0 का मतलब क्या होता है? 2, यानी 2 वाली वैल्यू पास होगी, यानी कि जोर गेट का ऑपरेशन होगा। और लास्ट केस, जब मैं लूंगा 1 1, तो 1 1 का मतलब कितना होता है? 3, तो कौन सी वैल्यू पास होगी? ये 3 पर है, 3 पर कौन सी वैल्यू है? नॉट गेट की, तो नॉट गेट के पास हो जाएगी, ठीक है। तो आपके 4 ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएंगे, लॉजिक ऑपरेशन, 1 at a time बाय यूजिंग द सिलेक्शन लाइंस S1 S0, क्लियर। अब इसमें देखिए शिफ्ट यूनिट, भाई अरिथमेटिक हो गया, लॉजिक हो गया, शिफ्ट यूनिट क्या होती है? शिफ्ट यूनिट में बेसिकली 2 तरह के ऑपरेशन होते हैं, या तो शिफ्ट लेफ्ट या शिफ्ट राइट। बाकी जो कैटेगरीज हैं, चाहे वो अरिथमेटिक लॉजिक शिफ्ट हो, अरिथमेटिक राइट शिफ्ट हो, लॉजिकल लेफ्ट शिफ्ट हो, लॉजिकल राइट शिफ्ट हो, या सर्कुलर लेफ्ट शिफ्ट हो, सर्कुलर राइट शिफ्ट हो, वो उसकी फर्दर कैटेगरीज हैं।
बेसिकली जो ALU में शिफ्ट ऑपरेशन होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, या तो वैल्यू लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगी या वैल्यू राइट की तरफ शिफ्ट होगी। तो बेसिकली दो ऑपरेशन है, या तो राइट शिफ्ट या लेफ्ट शिफ्ट, ठीक है। तो अगर हम चाहें तो एक ही स्विच की हेल्प से दोनों काम करा सकते हैं अगर हमें ज़रूरत है। कैसे? हमने सिलेक्शन लाइन की वैल्यू ज़ीरो ली, राइट शिफ्ट कर रहा है स्विच, ठीक है, एक ही सिलेक्शन लाइन से काम चल जाएगा हमारा। स्विच की वैल्यू ज़ीरो है या सिलेक्शन लाइन की वैल्यू जीरो है तो राइट शिफ्ट, स्विच की वैल्यू या सिलेक्शन लाइन की वैल्यू वन है तो लेफ्ट शिफ्ट। जैसे आप लाइट में ऑन ऑफ स्विच करते हैं, ऑफ कर दिया फैन ऑफ हो गया, ऑन कर दिया फैन ऑन हो गया, ऐसे ही हम सिलेक्शन लाइन को भी ज़ीरो या वन से लेफ्ट या राइट दोनों ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। कैसे इसको डिजाइन किया, अब ये देखिए, हमने 2x1 का मक्स यूज़ किया। ये जो हमने सर्किट बनाया, दिस सर्किट इज़ ओनली फॉर द आईथ स्टेज। ऐसे ये वाला सर्किट भी किसके लिए है, आप देखिए सब जगह आई लिखा हुआ है, आईथ स्टेज। अगर आपसे कहे कि 4-bit का लॉजिक यूनिट बनाइए, तो यही डायग्राम आपको 4 times रिपीट कर देना है। ऐसे ही आर्थमेटिक सर्किट वाला जो हमने पढ़ा था, अगर कहे 4-bit का आर्थमेटिक सर्किट बनाइए, तो जो आर्थमेटिक सर्किट 1-bit के लिए बनाया है आपने आईथ स्टेज के लिए, उसको 4 times रिपीट कर दीजिए, तो 4-bit के लिए बन गया। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं ओनली फॉर ए सिंगल स्टेज। ऐसी शिफ्ट यूनिट जो डिस्कस कर रहे हैं दैट इज ओनली फॉर ए सिंगल स्टेज। तो आप देखिए किस तरीके से शिफ्ट यूनिट वर्क कर रही है, आपको एक ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो लेफ्ट शिफ्ट या राइट शिफ्ट। आपने क्या किया, ये स्विच ले लिया, ठीक, स्विच इससे भी कनेक्टेड है और स्विच आपका इससे भी कनेक्टेड, सेम स्विच है, ये इससे भी कनेक्टेड है, और अगर आप दिखाना चाहें तो ये स्विच इससे भी कनेक्टेड है, ठीक। अब आपको वैल्यू लेफ्ट से राइट शिफ्ट करनी है, कब, जब ज़ीरो हो। अगर ज़ीरो पे आपको वैल्यू राइट शिफ्ट करनी है कोई भी वैल्यू, तो कैसे शिफ्ट करेंगे? मान लो मुझे कोई वैल्यू दे रखी है A0 A1, मुझसे कहा जाए इसको राइट शिफ्ट करिए, 2-bit की वैल्यू है, मुझसे कहा जाए राइट शिफ्ट करिए, तो मैं क्या करूँगा, इसके इस तरफ से वैल्यू इंसर्ट करूँगा, नई वैल्यू, उसको मैंने क्या नाम दिया, IR का मतलब जो वैल्यू राइट की तरफ शिफ्ट करेगी। कोई भी वैल्यू ले लिया, मैंने 0 ले लिया, 1 ले लिया, जो इनको शिफ्ट करे राइट की तरफ। दोबारा से मैं एक्सप्लेन कर दूँ, अगर A0 A1 है, आप चाह रहे हैं वैल्यू राइट की तरफ शिफ्ट हो, तो कब शिफ्ट होगी, जब मैं कोई वैल्यू इधर से इंसर्ट करूँगा। मान लो जो वैल्यू इधर से इंसर्ट कर रहा हूँ वो वैल्यू IR है, I का मतलब इनपुट राइट, ठीक है। तो अगर मुझे राइट की तरफ शिफ्ट कराना, तो इनपुट का नाम दिया मैंने IR, और मैं कब चाह रहा हूँ कि मेरा राइट शिफ्ट हो, जब मैं सिलेक्शन लाइन की वैल्यू 0 लूँ, ठीक है। तो सिलेक्शन लाइन की वैल्यू 0 जब मैं लूँगा, जब मैं सिलेक्शन लाइन की वैल्यू 0 लूँगा, तो क्या होगा, एक तो ये वाली 0 वाली वैल्यू पास होगी, एक ये जो वाली 0 वाली वैल्यू पास होगी, ठीक है। तो मैं किससे कनेक्ट करूँगा IR को, IR को मैं कनेक्ट करूँगा इस 0 से। भाई मुझे वैल्यू राइट शिफ्ट करानी है, तो नई वैल्यू मेरी किधर आनी चाहिए, इधर आनी चाहिए, तो नई वैल्यू IR को मैंने इस पर कनेक्ट किया, ठीक है। जब ये वैल्यू इंसर्ट होगी, तभी तो बाकी वैल्यू शिफ्ट होंगी राइट की तरफ, ठीक है। नई वाली वैल्यू किस जगह आ गई, नई वाली वैल्यू जो आ गई I0 की जगह, और A0 वाली किधर जानी चाहिए, ए इधर आनी चाहिए अगर मुझे राइट शिफ्ट करना है। तो मैंने A0 को किस पे कनेक्ट किया है, इस पे कनेक्ट किया है, जिससे कि नई वाली वैल्यू तो यहाँ आ जाए और A1 वाली A0 वाली वैल्यू इधर आ जाए। तो क्या रिजल्ट आएगा मेरा, अगर मैं सिलेक्शन लाइन की वैल्यू यहाँ 0 ले लूँ, तो क्या होगा, जैसे 0 लिया यहाँ से वैल्यू किधर ट्रांसफ़र हो गई, जो IR वाली यहाँ पर क्या आ गई वैल्यू, IR, ये IR आ गई, ठीक। और यहाँ पर भी 0 ले रखा है सिलेक्शन लाइन की वैल्यू, तो यहाँ पर कौन सी वैल्यू जा रही है, A0। तो रिजल्ट क्या आया मेरा, IR A0 आ गया, नहीं आ गया, जो मेरी राइट शिफ्ट करने पर ये वैल्यू अपने आप A1 वाली लॉस्ट हो जाएगी, जो है ही नहीं उसके लिए जगह। और अगर मुझसे कहा जाए कि वैल्यू को किधर शिफ्ट करिए, लेफ्ट शिफ्ट करिए, तो मुझे S की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, 1 लेनी पड़ेगी। और जब मैं S की वैल्यू 1 लूँगा, इसका मतलब है इसकी 1 वाले इनपुट से ट्रांसफ़र होगी। और लेफ्ट शिफ्ट कैसे होती है वैल्यू, मान लो वही वैल्यू ले लो A0 A1 लिखा हुआ था, मुझसे कहा जाए इस वैल्यू को लेफ्ट शिफ्ट करिए,
तो वैल्यू किधर से इंसर्ट करूंगा, नई वैल्यू इधर से इंसर्ट करूंगा, और मुझे लेफ्ट शिफ्ट करना है, ठीक है, लेफ्ट शिफ्ट करना है तो नई वैल्यू किधर आ जाएगी, आई एल इधर आ गई, और ए वन वाली वैल्यू किधर आ गई, इधर आ गई, तो हो गया लेफ्ट शिफ्ट, नई वैल्यू इधर, ये वाली इधर, ये वाली वैल्यू लॉस्ट हो जाएगी। तो रिजल्ट क्या मिलना चाहिए मुझे, ए नॉट आई एल। देखिए कैसे होगा, कब होगा ये लेफ्ट शिफ्ट, जब वैल्यू एस की वन लूंगा। जैसे मैंने एस की वैल्यू वन ली तो मैंने क्या किया, मुझे राइट से इंसर्ट करानी है, राइट हैंड साइड से वैल्यू आई एल, ये राइट हैंड साइड पर आई एल, और किस पे लगाऊंगा इसे, वन इनपुट पे, क्यों, वन के थ्रू तो ट्रांसफर होगी वैल्यू। तो जैसे ही मैं इसको वन पे लगाऊंगा और सिलेक्शन एन की वैल्यू वन दूंगा, आई एल वाली वैल्यू किस पे आ गई, यहाँ आ गई, क्यों, सिलेक्शन एन की वैल्यू वन है, ठीक है। और यहाँ पर कौन सी वैल्यू आनी चाहिए फिर, ये वाली वैल्यू, क्या है ये वैल्यू, ए वन। तो मैं क्या करूँगा, जो ए वन है उसको किस पे लगा दूंगा, ए वन को मैं लगा दूंगा इस वाले वन पे, आई एल को तो मैं लगा दिया इस वाले वन से, इससे किधर आ जाए, और ये जो ए वन है इसको किस पे लगा दूंगा मैं, ए वन को इस वाले वन पे, कि जो एस की वैल्यू वन हो, तो यहाँ पर क्या ट्रांसफर हो गया, ये ए वन ट्रांसफर हो गया, ठीक है। तो जीरो देने पर मेरी वैल्यू एक इधर जा रही है नई वाली वैल्यू, और ये जो जीरो इधर पास हो रहा है, जबकि सिलेक्शन लाइन वन लेने पर वैल्यू इधर राइट शिफ्ट हो रही है, लेफ्ट शिफ्ट हो रही है, कैसे, नई वाली वैल्यू इधर आ रही है और जो ए वन वाली वैल्यू है वो मेरी इधर आ जा रही है, इधर शिफ्ट कर रही है, तो ये लेफ्ट और राइट दोनों का काम कर रहा है। लेकिन अगर आप ए एल यू डिजाइन करना चाहते हैं तो ए एल यू में ज़रूरी नहीं कि आपको स्विच की ज़रूरत पड़ेगी, ए एल यू में आप राइट शिफ्ट के लिए अलग लाइन, लेफ्ट शिफ्ट के लिए अलग लाइन का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। स्विच के बिना भी ए एल यू डिजाइन किया जा सकता है, कैसे डिजाइन किया जाएगा फाइनल वो हम अब डिस्कस करेंगे, कि ओवरऑल अगर आपका ए एल यू डिजाइन फाइनल डायग्राम आएगा वो कैसे आएगा। उस डायग्राम में फिर से आपको बता दूं, ज़रूरी नहीं कि मुझे राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट के लिए अलग अलग स्विच की ज़रूरत पड़े या स्विच की ज़रूरत पड़े, दोनों को मैं अलग अलग भी दिखा सकता हूँ। कैसे डायग्राम होगा विल सी नाउ। नाउ विल डिस्कस द कंप्लीट डिजाइनिंग ऑफ ए एल यू एट वंस, यानी पूरा का पूरा ए एल यू एक साथ कैसे दिखता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने पढ़ा कि आर्थमेटिक यूनिट कैसे बनती है सेपरेटली, लॉजिक यूनिट कैसे डिजाइन होती है, और शिफ्ट यूनिट कैसे डिजाइन होती है। नाउ विल डिटेल डिस्कस द कंप्लीट डायग्राम इन डिटेल। देखिए हमने डिस्कस किया किसके बारे में, आर्थमेटिक यूनिट के बारे में, ये आपके आर्थमेटिक सर्किट आ गया। हमने डिस्कस किया लॉजिक सर्किट के बारे में, लॉजिक सर्किट ये आ गया। इसके अलावा हमने दो चीज़ों के बारे में और डिस्कस किया था, हमने कहा था शिफ्ट यूनिट दो तरह से शिफ्ट करती है, लेफ्ट शिफ्ट या राइट शिफ्ट, और हमने आपको यही बताया था कि शिफ्ट यूनिट में ज़रूरी नहीं कि आपको स्विच की ज़रूरत पड़े। तो यहाँ पर हमने शिफ्ट राइट या शिफ्ट लेफ्ट के लिए कोई भी स्विच का यूज़ नहीं किया है, वी हैव टेकन सेपरेटली शिफ्ट राइट एंड शिफ्ट लेफ्ट। अब ये आर्थमेटिक, ये लॉजिक, ये शिफ्ट यूनिट। अब ये फंक्शन कैसे परफॉर्म होंगे, एक बार में आपका ए एल यू या तो क्या करेगा आर्थमेटिक फंक्शन करेगा, या फिर क्या करेगा लॉजिक करेगा, या फिर क्या करेगा शिफ्ट फंक्शन करेगा। तो ए एल यू क्योंकि एक बार में एक ही फंक्शन करता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा उसके लिए एक और मल्टीप्लेक्सर का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। ये मल्टीप्लेक्सर क्या करेगा ये देखेंगे, ये मल्टीप्लेक्सर जो 4:1 का हमने एक और मल्टीप्लेक्सर यूज़ किया है, इसका क्या पर्पज़ है, एक बार में आर्थमेटिक फंक्शन करे, एक बार में लॉजिक फंक्शन करे, या लेफ्ट शिफ्ट फंक्शन करे, या राइट शिफ्ट फंक्शन करे, एक बार में एक फंक्शन परफॉर्म करेगा, ठीक है। अगर मैं लेता हूँ मान लीजिए S3 S2, जब मैं 4:1 का मल्टीप्लेक्सर ले रहा हूँ इन चार फंक्शन को कराने के लिए, तो मुझे कितनी सिलेक्शन लाइन की जरूरत पड़ेगी, दो सिलेक्शन लाइन। ये दो सिलेक्शन लाइन उन सिलेक्शन लाइन से डिफरेंट होंगी जो हमने पहले डिस्कस की हैं, क्योंकि वो किसके लिए थी, वो तो आर्थमेटिक और लॉजिक के लिए थी। ये हम किसके लिए यूज़ कर रहे हैं सिलेक्शन लाइन, ये डिसाइड करने के लिए कर रहे हैं कि हमें आर्थमेटिक फंक्शन कराना है, लॉजिक फंक्शन कराना है, लेफ्ट शिफ्ट कराना है, या राइट शिफ्ट कराना है। तो देखिए किस तरीके से बनेगा, मान लो मैंने S3 S2 इस पर्पज़ के लिए लिए हैं, ठीक है। फंक्शन मुझे क्या परफॉर्म कराना है, S3 S2 सिलेक्शन लाइन है। जब मैं दोनों की वैल्यू या तो 0:0 होगी इनकी, या 0:1 होगी, 1:0 होगी, या 1:1 होगी। जब मैं S3 S2 0:0 लूँगा, यानी यहाँ पर 0 यहाँ पर 0, तो कौन सी वैल्यू ट्रांसफ़र होगी, जो इसके 0 पे होगी। कौन सा फंक्शन है, आर्थमेटिक, यानी कौन सा फंक्शन परफॉर्म करेगा 0:0 पे, आर्थमेटिक।
ठीक, जब मैं लूंगा इसकी वैल्यू क्या 0 1, ये वाली, तो 0 1 का मतलब डेसिमल में 1, यानी ये वाला फंक्शन परफॉर्म होगा, यानी कि लॉजिक फंक्शन, तो आपका ALU लॉजिक फंक्शन परफॉर्म करेगा। जब मैं इसकी वैल्यू लूंगा 1 0, तो ALU क्या फंक्शन परफॉर्म करेगा, 1 0 का मतलब 2, यानी 2 पे क्या है राइट शिफ्ट, तो उसकी इसमें क्या करेगा राइट शिफ्ट करेगा। और जब मैं इसकी वैल्यू क्या लूंगा 1 1, तो 1 1 का मतलब 3 3 पर क्या है लेफ्ट शिफ्ट, तो ये क्या करेगा लेफ्ट शिफ्ट। तो कंप्लीट ALU जो होगा S3 S2 के केस में तो अर्थमेटिक शिफ्ट, जब 0 1 तो लॉजिक शिफ्ट, 1 0 तो राइट शिफ्ट, 1 1 तो लेफ्ट शिफ्ट करेगा। ठीक है, और हमने ये तो कह दिया कि अगर हमें अर्थमेटिक कराना है तो क्या सेट करना है सिलेक्शन लाइन, लॉजिक कराना है तो क्या सेट करना है, लेफ्ट शिफ्ट कराना है तो क्या करना है, राइट शिफ्ट कराना है तो क्या करना है, ये तो हमने डिस्कस कर लिया। लेकिन अगर हमें ये पता लगाना हो कि भाई 0 0 हमने अगर S3 S2 क्या लिया, पहले केस अगर देखें तो S3 0 है, S2 0 है, कौन सा फंक्शन परफॉर्म होगा आर्थमेटिक। लेकिन आर्थमेटिक में तो हमने बहुत सारे फंक्शन डिस्कस किए थे, अभी कितने फंक्शन डिस्कस किए थे, 8 फंक्शन, जिनमें से 7 डिफरेंट थे। तो 0 0 ये तो बता देगा ये सिलेक्शन लाइन की आर्थमेटिक यूनिट फंक्शन करेगी ये वाली, लेकिन आर्थमेटिक के अंदर भी तो कई सारे फंक्शन हैं, उनमें से कौन सा फंक्शन परफॉर्म होगा, उसके लिए हमें किन की जरूरत पड़ेगी, उन सिलेक्शन लाइंस की जो हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई है। जब हमने आर्थमेटिक सर्किट पढ़ा था तो हमने कुछ सिलेक्शन लाइंस पढ़ी थी, कौन कौन सी सिलेक्शन लाइन थी, 2 तो ये सिलेक्शन लाइन थी S1 S0, अभी आर्थमेटिक सर्किट जो हमने पढ़ा था, और एक क्या था हमारा CIN था, 3 तरह की सिलेक्शन लाइन यूज़ की थी S1 S0 CIN। यहाँ पर हमने पूरा सर्किट बनाने के बजाय सिर्फ उसका ब्लॉक डायग्राम बनाया है और उसमें वो कनेक्शन दिखाए जिनकी हमें जरूरत पड़ी थी। अगर आप आर्थमेटिक देखें सर्किट तो उसमें S1 S0 और CIN हमने ली थी सिलेक्शन लाइन, और उसके अलावा इनपुट्स पे क्या लिया था हमने AI BI लिया था, ठीक है, जिसके हल से हमें बताया था कौन कौन से 7 डिफरेंट फंक्शंस होंगे। ऐसी अगर आप देखें तो लॉजिक यूनिट का जो हमने सर्किट बनाया था जिसमें हमने मल्टीप्लेक्सर का यूज़ किया था, उसमें हमने कौन सी सिलेक्शन लाइन थी, यही सिलेक्शन लाइन ली थी S1 S0, और इनपुट उसमें क्या लिए थे हमने AI BI जो ये वाले। तो हमने यहाँ पर पूरा डायग्राम बनाने के बजाय, क्योंकि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, यहाँ पर हमने सिर्फ कनेक्शन दिखाए हैं कि क्या क्या इनपुट लेंगे। S1 S0 CIN लिया था हमने वहाँ, और लॉजिक सर्किट में हमने S1 S0 लिया था, ठीक है। उसके अलावा राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट के लिए हमने सिर्फ वैल्यू ली है AI-1 AI+1। जब राइट शिफ्ट कराना है आपको वैल्यू को, तो एक वैल्यू पहले की लेनी पड़ेगी AI से, और जब आपको लेफ्ट शिफ्ट कराना है तो एक वैल्यू बाद की लेनी पड़ेगी, उसको लेफ्ट शिफ्ट करा रहे हैं, ठीक है। तो राइट शिफ्ट के लिए ये, लेफ्ट शिफ्ट के लिए ये, और आर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के लिए ये हमने सर्किट ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। अब हम ये भी बता दिया कि कौन कब कौन सा फंक्शन होगा, लेकिन जब सारी चीज़ें क्लब होंगी तब क्या रिजल्ट प्रोड्यूस होगा वो हमें इस टेबल से पता लगेगा। तो हमने क्या क्या चीज़ें आ रही हैं पूरे सर्किट में, S3 S2 S1 S0 और CIN, ये 5 सिलेक्शन लाइन आ रही हैं। देखिए S3 S2 S1 S0 CI, S3 S2, तो ये डिसाइड करेंगी कौन सा फंक्शन होगा आर्थमेटिक लॉजिक में से, और S1 S0 और CI ये क्या डिसाइड करती हैं कि आर्थमेटिक में कौन सा होगा या लॉजिक में कौन सा फंक्शन होगा, ठीक है। तो देखिए पूरा ओवरऑल सर्किट देखते हैं अब हम किस तरीके से वर्क करेगा। अगर S3 S2 S1 S0 CI अगर सभी की इनिशियल वैल्यू क्या होगी 0 0 0 0 0, तो देखिए तो क्या होगा, S3 S2 क्या लिया है हमने 0 0, ये लिख दिया, S1 S0 CI S1 0 S0 0 और CI 0, तब क्या होगा। अब आप पहले देखिए S3 S2 क्या है, 0 0 है, तो अभी हमने आपको बताया कि जब S3 S2 0 0 होते हैं तो कौन सा फंक्शन होता है जो उसके 0 पे होता है, यानी फंक्शन कौन सा होगा आर्थमेटिक होगा। लेकिन आर्थमेटिक में से भी कौन सा होगा वो कौन डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करेंगे। और अगर आप पुराना वीडियो को बैक करके देखिए कि जो हमने S1 S0 CI पर 0 0 0 लिया हुआ है, यानी इस पर और इस पर 0 लिखा है, तो कौन सा फंक्शन परफॉर्म हो रहा था AI, यानी ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है। ऐसे ही 0 0 0 0 1, फिर से S3 S2 की वैल्यू क्या है, ये वाली वैल्यू 0 0,
यानी फिर से क्या होगा, अर्थमेटिक फंक्शन परफॉर्म होगा, लेकिन अर्थमेटिक में से कौन सा फंक्शन, वो कौन डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करेंगे 001। 001 का मतलब 001। तो आप देखिए फिर से बैक करके कि 001 पे क्या फंक्शन हो रहा है जब S1 S0 CI 001 है, तो आपको पता लगेगा इंक्रीमेंट फंक्शन हो रहा है, ठीक है। इसी तरीके से 00010, ये 00 क्या बता रहा है हमारा, जहाँ पर भी आ रहा है कि जब तक ये 00 रहेगा इसका मतलब है कौन सा ऑपरेशन चलेगा हमारा, अर्थमेटिक ऑपरेशन, ठीक। यानी जब तक 00 है तो हमें पता लग गया 00 का मतलब अर्थमेटिक फंक्शन होना है, लेकिन अर्थमेटिक में से भी कौन सा होना है वो अगली तीन लाइनें डिसाइड करेंगे। आप देखिए वीडियो को पैक करके 010 पे क्या आ रहा है, जब S1 S0 CI 010 है तो आपको पता लगेगा डिक्रीमेंट फंक्शन दिखा रखा है। जब देखेंगे 011 पर कौन सा फंक्शन परफॉर्म होना है, AI फंक्शन, बैक करिए वीडियो को, चेक करिए ऑटोमेटिक में। 100 पर जब देखेंगे तो कौन सा फंक्शन परफॉर्म हो रहा है, AI+BI। 101 पर जब देखेंगे तो क्या फंक्शन परफॉर्म हो रहा है, AI+BI+1। 110 पर क्या फंक्शन परफॉर्म हो रहा है, AI+BI। 111 पर क्या फंक्शन परफॉर्म हो रहा है, AI+BI-1। ये वो फंक्शन है जो कौन कर रहा होता है, अर्थमेटिक यूनिट के अंदर हो रहा होता है। तो पहली दो लाइन उन्होंने तो ये डिसाइड किया यहाँ से यहाँ तक जितनी भी S3 S2 जहाँ पर भी जीरो है ये वाला, कि फंक्शन क्या होगा, अर्थमेटिक होगा, और अर्थमेटिक में से भी कौन सा होगा वो ये लाइन डिसाइड करेंगी कि ये वाला फंक्शन होगा, ठीक है। अब 00 ने क्या बता दिया कि ये अर्थमेटिक फंक्शन हो रहा है यहाँ तक। अब आता है 00 तो खत्म हो गया 00111 के बाद, अब क्या आता है 01 01। और अगर ये 01 है तो कौन सा फंक्शन होगा, 01 का मतलब 1 वाली वैल्यू ट्रांसफर होगी, 1 पे क्या है हमारा लॉजिक सर्किट है, यानी लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म होंगे। और लॉजिक ऑपरेशन का अगर आपको बैक करें वीडियो को, देखेंगे कि लॉजिक सर्किट में हमारा CI नहीं है, CI का रोल नहीं आता सी। अगर लॉजिक सर्किट में देखें जो हमने मल्टीप्लेक्सर यूज़ किया है, तो हमारी दो तो सिलेक्शन लाइन यूज़ हो रही है वहाँ पर, और दो इनपुट यूज़ हो रहे हैं, चेक करके देख सकते हैं आप वीडियो को कि लॉजिक सर्किट में जो मल्टीप्लेक्सर यूज़ किया है, S1 S0 सिलेक्शन लाइन है, AI BI आपके इनपुट हैं, देयर इज़ नो यूज़ ऑफ कैरी। तो जब हमने अगली वैल्यू पर आते हैं 01, तो जब भी 01 आएगा, जहाँ भी 01 आएगा, इसका मतलब कौन से ऑपरेशन होंगे, लॉजिक ऑपरेशन। कितने लॉजिक ऑपरेशन थे, 4, कौन से, एंड और जोर और नॉट, ठीक। और उसमें भी अगर आप देखें तो देखो CI का तो रोल है नहीं, अभी हमने बताया, जब 01 चलेगा यानी कि लॉजिक ऑपरेशन चलेंगे तो कैरी का रोल तो कोई है नहीं, तो कैरी के आगे हमने क्या लिख दिया है, क्रॉस 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 क्रॉस। क्रॉस का मतलब है चाहे वैल्यू 0 हो CIN की चाहे 1 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि लॉजिक ऑपरेशन इस पर डिपेंड करते हैं, न कि कैरी पर डिपेंड करते हैं। और अगर आप देखें वीडियो में पीछे कि लॉजिक ऑपरेशन में हमने क्या बता रखा है कि जब दोनों की वैल्यू 00 होगी, यानी S1 S0 00 होंगे तो एंड ऑपरेशन हो रहा है, जब S1 S0 01 होंगे तो और ऑपरेशन है, जब 10 दे रखा होगा तो जोर ऑपरेशन है, और जब 11 दे रखा होगा तो नॉट ऑपरेशन है, ठीक है। तो 01 ने ये डिसाइड किया कि लॉजिक ऑपरेशन होगा, और लॉजिक में से कौन सा होगा वो S1 S0 डिसाइड करेंगे, और वो वैल्यू किसकी इंडिपेंडेंट होगी, CI की इंडिपेंडेंट होगी, ठीक है। तो ये आपके लॉजिक ऑपरेशन हो गए सारे। अब लॉजिक ऑपरेशन के बाद देखिए अगली वैल्यू क्या पॉसिबल है इसमें, जब लॉजिक ऑपरेशन हो गए 10, अगर 10 है तो कौन सा ऑपरेशन हो रहा है, राइट शिफ्ट। देखिए जब 10 लिया तो 2 पे वैल्यू ट्रांसफर होगी, जो 2 पर वैल्यू है, 2 पर आपका क्या है, राइट शिफ्ट, यानी जब 2 लेंगे 10 को तो कौन सी वैल्यू होगी ट्रांसफर, राइट शिफ्ट वैल्यू, राइट शिफ्ट हो जाएगी, शिफ्ट ऑपरेशन स्टार्ट हो जाएगा। क्या शिफ्ट ऑपरेशन डिपेंडेंट है इन पर S1 S0 पे या CIN पे, नहीं, CIN पे S1 S0 पे अगर आप देखें शिफ्ट ऑपरेशन डिपेंडेंट नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि S3 S2 की वैल्यू जब 10 होगी, S3 S2 की वैल्यू जब 10 होगी, यहाँ देखिए, ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑपरेशन हम कह रहे हैं, राइट शिफ्ट होगा, लेकिन वो किसका इंडिपेंडेंट होगा, क्या वो S1 S0 CI पे डिपेंड कर रहा है, भाई S1 S0 CI पे डिपेंड कर रहा है क्या आपका शिफ्ट ऑपरेशन, नहीं, उसका कहीं है ही नहीं रोल,
उसमें, तो उसके आगे हमने तीनों के आगे क्या लिख दिया है, S1 S0 CI के आगे क्रॉस कर दिया कि चाहे वैल्यू इनकी जीरो हो या वन हो, कुछ भी वैल्यू हो, ये क्या करता रहेगा, राइट शिफ्ट करता रहेगा, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ दैट वैल्यू। लास्ट केस में आते हैं जब वैल्यू क्या होगी, वन वन, जब एस थ्री एस टू वन वन होंगे तो कौन सा ऑपरेशन होगा, लेफ्ट शिफ्ट, क्यों, वन वन का मतलब क्या होता है थ्री, थ्री पर कौन सा ऑपरेशन होगा, शिफ्ट लेफ्ट, ठीक है। जब शिफ्ट लेफ्ट ऑपरेशन होगा, एस थ्री एस टू की वैल्यू क्या ले ली हमने, वन वन, ठीक है, कौन सा ऑपरेशन हो रहा है, शिफ्ट ऑपरेशन, और जो शिफ्ट ऑपरेशन हो रहा है वो किसके इंडिपेंडेंट है, क्या वो एस वन एस जीरो सी आई पे डिपेंड कर रहा है, नहीं, ना लेफ्ट शिफ्ट डिपेंड करता ना राइट शिफ्ट डिपेंड करता, तो इसके आगे हमने क्रॉस क्रॉस लिख दिया। तो ओवरऑल जब भी हमको कोई भी ऑपरेशन करना हो, हम इन पांच स्विचेस को यूज़ करेंगे और जो ऑपरेशन चाहेंगे वो करा देंगे।